सुप्रभात, मैं संजय गहतोड़ी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास उपविषय में औद्योगीकरण का युग, इस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में अगला टॉपिक है आज औद्योगिक क्रांति के भारत में हानिकारक प्रभाव। तो औद्योगिक क्रांति के आने के बाद, औद्योगिक क्रांति के आने से भारत में क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़े, तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशकालीन भारत की। तो ब्रिटिशकालीन भारत में जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, उस समय जब औद्योगिक क्रांति आई, तो उस औद्योगिक क्रांति का भारत में क्या प्रभाव पड़ा और वो प्रभाव भी हानिकारक रहा, तो उस हानिकारक प्रभाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हैं, इसी के आधार पर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला हमने बिंदु लिखा है निर्यात में गिरावट आना। तो भारत बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात करता था, जैसे सूती वस्त्रों का निर्यात भारत से होता था, रेशमी वस्त्रों का निर्यात होता था, और उसके अलावा मसाले आदि का भी यहाँ से निर्यात होता था, ऊनी वस्त्रों का, नील का, इस तरह से बहुत सारी जो वस्तुएं थी वह भारत निर्यात करता था विदेशों को। एक निर्यातक देश था भारत और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निर्यात होती थी, मतलब व्यापार जो भारत का था वह व्यापार भारत के हित में रहता था, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें थी यहाँ से निर्यात होती थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, उससे इस निर्यात को बड़ा धक्का लगा और यह निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली। फिर दूसरा बिंदु हमने लिखा है इसमें लघु उद्योगों का बंद होना। भारत में बहुत सारे लघु उद्योग चला करते थे, कुटीर उद्योग चला करते थे, हस्तशिल्प यहाँ पर विकसित अवस्था में था, दस्तकारी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर होती थी, दस्तकारी उद्योग और कुटीर उद्योग, ये सारी जो चीज़ें थी यह अच्छी फल फूल रही थी यहाँ पर। तो प्राचीन भारत की तरफ हम जब जाते हैं, जब अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया, उससे पहले उस समय की हम जब बात करें जिस समय उन्होंने उपनिवेश बनाया, तो भारत में क्या था, लघु उद्योग विकसित अवस्था में थे, लगभग हर घर में कुछ ना कुछ उद्योग चलता था, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कुछ ना कुछ चलता था, मतलब स्वरोजगार बहुत बेहतर ढंग से लोग करते थे, तो बेरोजगारी यहाँ पर नहीं थी। तो इसमें क्या था कि दस्तकारी का काम है या उसके अलावा कोई छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पर होती थी, जिसके कारण यहाँ पर भीषण बेरोजगारी जैसी समस्या नहीं थी, आर्थिक रूप से लोग ठीक थे, तो वह अपनी वस्तुओं का उत्पाद करते थे, उन्हें बेचते थे और धन कमाते थे। तो बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग चला करते थे, लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया, तो जैसे ही औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या हो रहा था, बड़े बड़े संयंत्र लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही थी, जिससे भारत के कुटीर उद्योग को, भारत के लघु उद्योग को, भारत के हस्तशिल्प को, यहाँ की दस्तकारी को बड़ा धक्का पहुँचा। और जो लोग इनसे जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़ा वर्ग इस लघु उद्योग से जुड़ा हुआ था, बहुत बड़ा वर्ग इससे बेरोजगार हो गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनकी आर्थिक दशा खराब हो गई और जीवन स्तर उनका गिरता चला गया। तो इस तरह से बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई, उद्योग ठप हो गए, बेरोजगारी में भारी वृद्धि देखने को मिली। अब उसके अलावा क्या था, भारत के जो औद्योगीकरण के बाद, औद्योगिक क्रांति के आने के बाद, भारत में जो निर्मित उत्पाद थे वह महंगे हो गए थे। महंगे कैसे हो गए थे, महंगे होने के कारण ये थे कि जो इंग्लैंड में वस्तुएं बनती थी, इंग्लैंड में जो वस्तुएं निर्मित होती थी, उन वस्तुओं में लागत कम आती थी, बड़ी बड़ी मशीनों में एक साथ बहुत सारी संख्या में वस्तुएं निकाली जाती थी, तो लागत कम आती थी, तो अपेक्षाकृत वस्तुएं जो थी वह सस्ती होती थी। अब अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियों में सामान बनाते थे और उसको ला करके भारत में बेचते थे, तो भारत में बेचते थे तो वो जो वस्तुएं वो बनाते थे वो सस्ती होती थी भारत में बनी वस्तुओं की अपेक्षा।
अब उन्होंने क्या कर रखा था, एक तो वहाँ मशीनों में भारी संख्या में वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे तो अपेक्षाकृत सस्ती होती थी, दूसरा क्या था, जो भारत में जो लोग उत्पादन कर रहे थे उन उत्पादक वर्ग पर, उत्पादन करने वाले लोगों पर, जो उद्योगों में उत्पादन कर रहे थे उन भारतीयों पर अंग्रेजों ने भारी मात्रा में उत्पादन कर लगा दिया। जब अंग्रेजों ने उत्पादन कर लगाया तो उत्पादन कर लगाने से भारतीयों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती थी उसकी लागत भी बढ़ गई। अब जब लागत बढ़ी तो वस्तु जो है वह महंगी बिकने लगी। अब बाज़ार में जब महंगी वस्तु जा रही थी तो उसके बिक्री पर गिरावट आ गई, क्योंकि जब बाज़ार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो जो वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होती है, गुणवत्ता लगभग एक जैसी हो और वस्तु अगर सस्ती होती है तो उस वस्तु को ही ग्राहक खरीदता है। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनकी अपेक्षा में भारतीयों द्वारा बनाई जाने वाली जो वस्तुएं होती थी वह महंगी होने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने टैक्स बहुत ज़्यादा भारतीय उत्पादकों पर लगा दिए थे, जिस कारण भारतीय जो सामान था वो महंगा हो रहा था। अब महंगा सामान हो रहा था तो बिक नहीं पा रहा था, तो बिक्री में भारी गिरावट देखने को आई। तो इस तरह से जो भारत उस समय तक एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था, बहुत सारी वस्तुओं का जो निर्यात करता था, अब वह निर्यातक की जगह से क्या बन गया, आयातक देश बन गया। अब यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं क्या हो रही थी, आयात की जाने लगी थी, निर्यातक से आयातक बनना। अगला बिंदु क्या हो गया, भारत निर्यातक से आयातक बन गया। जहाँ पर पहले भारत से बहुत सारी चीज़ें निर्यात की जाती थी, व्यापार भारत के पक्ष में रहता था, अब भारत बहुत सारी चीज़ें आयात करने लग गया था। क्यों, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आई, अंग्रेजों ने क्या करा, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, अपने यहाँ जो उत्पाद बनाते थे वो भारतीय बाज़ार में बेचने लगे, और इस तरह से जो भारतीय सामान था उस पर गिरावट आ गई। जो चीज़ें निर्यात की जाती थी यहाँ से, रेशमी वस्त्र हो गए, ऊनी वस्त्र हो गए, सूती वस्त्र हो गए, सब निर्यात जो किए जाते थे पहले, बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें आयात की जाने लगी। जो वस्तुएं पहले निर्यात की जाती थी वही वस्तुएं अब आयात की जाने लगी। इस तरह से औद्योगिक क्रांति के आने से भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का उपनिवेश था और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर भारतीयों का बहुत अधिक मात्रा में उस समय शोषण हुआ और उद्योग भारतीयों के उन्होंने ठप करवा दिए थे। तो इस तरह से बहुत सारे हानिकारक प्रभाव यहाँ पर पड़े।